नमस्कार दोस्तों, बैंक निफ्टी की एक और एनालाइज वीडियो में आपका स्वागत करते हैं। आज का दिन देखते हैं कैसा रहा और कल एक्सपायरी का दिन है, एक्सपायरी के दिन का मोमेंटम कैसा रह सकता है और ये एक्सपायरी के रेंज कैसे रही है। दोस्तों, इस एक्सपायरी में हम जो रेंज देख रहे हैं ये 4 दिन रहे हैं, अब इसके बेसिस पे एक्सपायरी रहने वाली है। अब हम देखने वाले हैं कि क्या कुछ उस पर मोमेंटम एक्सपेक्ट किया जा सकता है। आज का दिन हमें हाई एक्सपेक्टेड की वजह से कहीं ना कहीं एक रेंज में ही रहने की उम्मीद थी, जो कि रेंज में ही रहा, और ये लेवल टूटने के बाद में ज़्यादा बड़े टारगेट की उम्मीद थी और ये लेवल टूटा भी नहीं, और इससे गैप डाउन भी ज़्यादा होता तो भी बड़े उम्मीद थी, वो भी नहीं हुआ। ऊपर की साइड भी नहीं, न्यूट्रल खुला और न्यूट्रल ही मार्केट रहा। ऊपर के साइड के हमने टारगेट बोले थे कि यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं, यहाँ से हम सेलिंग देख सकते हैं, तो ये वाला मार्केट दोनों ने रेंज ही नहीं पकड़ी है, इस रेंज से बाहर ही नहीं निकला। एक मोमेंटम हमने इसके ऊपर से ये और ये भी कैच करने की कही थी, लेकिन मार्केट ने इसको भी गलत साबित किया, ये वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक करते हुए और एक बार रुक के फिर ऊपर से दोबारा ब्रेक करके ट्रेप करते हुए नीचे की डायरेक्शन में ट्रेड किया। अब देखते हैं कल की क्या उम्मीदें हमारी रह सकती हैं मार्केट एक्सपायरी से। ये वाला जो मार्केट एक्सपायरी है वो एक दिन रहा है ऊपर के डायरेक्शन में, जहाँ नीचे की तरफ पेमेंट तो मिल चुकी है और मार्केट ठहरा हुआ है। अब सारा का सारा जितना भी मार्केट की ट्रेडिंग हुई है वो इस एरिया में मान के चलो, इस एरिया से हम एक्सपायरी को देखते हैं तो एक रेंज आ रही है ऐसे में, अगर इसको हम 15 मिनट पे देखें तो ज़्यादा बेटर है। ये 3 दिन का मार्केट है, ठीक है, वो दिन छोड़ देते हैं। ऊपर की साइड में रेंज अच्छी है, कहीं ना कहीं यहाँ पर एक रेंज बनी हुई है, और एक रेंज बनी है दोस्तों यहाँ के आसपास, ठीक है। अभी मार्केट श्रिंक हो रहा है तो कल एक्सपायरी में मार्केट एक बड़ी रेंज देने की उम्मीद भी है और दे भी सकता है। बायर एक्सपायरी होने की उम्मीद है क्योंकि मार्केट बीच में 2 दिन ठहरा हुआ है, और जब मार्केट श्रिंक हो जाता है, और वो श्रिंक मार्केट के ऊपर मैंने वीडियो भी बनाया है, अगर मार्केट श्रिंक होता है और एक्सपायरी के नज़दीक आता है तो एक्सपायरी के दिन आपको सेकेंड सेशन में बड़े मोमेंटम मिलने की उम्मीद रहती है। वो मोमेंटम कैसे और किस तरह से मिलेंगे वो भी हम देखेंगे। अगर 15 मिनट का देखो, सबसे पहले हम एक दिन का चार्ट देखते हैं तो मार्केट 2 दिन से रिजेक्शन दे रहा है ऊपर के डायरेक्शन की साइड। अगर मार्केट इस रेंज को ब्रेक करता है, या तो देखो गैप डाउन देके मार्केट ये इधर की साइड की रेंज कवर कर सकता है। दूसरा, अगर मार्केट गैप डाउन न दे तो पावर लेने के लिए एक बार ऊपर की साइड आएगा, ये रेंज ब्रेक कर देगा इस रेंज से पहले ही मार्केट, या फिर इस रेंज को ब्रेक करते हुए मार्केट वापस नीचे की पावर ले, जैसे कि यहाँ पे पावर ली थी नीचे आने के लिए ट्रैप के लिए, यहाँ पे भी पावर ली थी नीचे आने के लिए, उसी तरह से यहाँ पे पावर लेके वापस मार्केट नीचे के डायरेक्शन में आ सकता है। कई बार मार्केट ऐसा ट्रैप करता है और ऐसे एंगल से पावर लेके नीचे के डायरेक्शन में आते हैं, और कई बार उसको गलत साबित भी करता है, जैसा कि यहाँ से हमने पावर के बिहाव पे हमने देखा था कि मार्केट नीचे आ सकता है, लेकिन हमने कहा था ये रेंज ब्रेक करे। अभी भी मैं आपसे ये बात करूँगा कि ये ब्रेकआउट के बाद में मार्केट अगर नीचे के डायरेक्शन में ट्रैप भी करता तो ये रेंज ब्रेक करेगा तो बड़ी रेंज एक्सपेक्ट करी जाएगी, नहीं तो मार्केट एक्सपायरी के सेकंड सेशन, पहले सेशन में ये काम किया, सेकंड सेशन में बाइंग की साइड बहुत ही अच्छा मोमेंटम दे सकता है, ठीक है। अब हम इसको 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे एनालाइज कर रहे हैं तो लगभग हमारी जो रेंज है दोस्तों, वो रेंज रहने वाली कौन सी है, आप ये लेके चलो 33,000 के बाद जो ये रेंज आ रही है 32,800 की, ये रेंज ले सकते हो। और ऊपर की साइड में अभी के लिए मैं आपको रेंज बताऊंगा 34,000, एक सेकंड 15 मिनट पे आते हैं, हाँ 34,000 के आसपास की रेंज को आप लेके चल सकते हो। यहाँ तक ये मार्केट की एक्सपायरी की रेंज हो सकती है, ठीक है, ये अच्छी रेंज है, इस रेंज में मार्केट रह सकता है। अब इस रेंज में मार्केट कहाँ ट्रेप करके किधर ट्रेवल करेगा और हमारे मोमेंटम कैसे मिलेंगे। मार्केट देखा जाए आज भी न्यूट्रल है, 15 मिनट पे आ जाते हैं हम, आज भी मार्केट न्यूट्रल ही है, कहीं ना कहीं इस दिन की इनसाइड में ही मार्केट क्लोज हुआ है। अब मार्केट में हम बड़े चाल की उम्मीद कब करेंगे, देखो नीचे की डायरेक्शन से एक ये जगह है जो रोक रही है मार्केट को, और एक GIA क्रिएट कर सकता है इस साइड में, ब्रेक करके इस वाले लेवल को भी ब्रेक कर सकता है। अगर मार्केट न्यूट्रल खुलता है और तेजी से ये GIA क्रिएट करता है और कोई भी एंगल आपको ऊपर की साइड का दिखे तो एक बड़ी चाल आपको दिखाई देने की मॉर्निंग में, ठीक है, एक डायरेक्शन हो गया ये। और ऐसा ही न्यूट्रल खुल के ऊपर की साइड में ये लेवल यूज करते हुए
यहाँ तक के लेवल यूज कर सकता है, और हो सकता है वो यहाँ से भी पलट जाए, क्योंकि मार्केट का अगर सेकंड हाफ में उसे बड़ी रेंज अपसाइड में कवर करनी है तो वो अभी इतना ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है, ये दोनों ही लेवल यूज नहीं करेगा, वो यहाँ तक के लेवल यूज करेगा, ग्रीड देगा, नीचे की साइड की ग्रीड देगा और बड़ा मोमेंटम ऊपर की साइड में देगा। दोस्तों दोबारा समझो, ये जो लेवल है ये ब्रेक करके इस लेवल तक का ब्रेक करके फिर तेजी से नीचे की साइड आएगा, और ये रेंज है ये थोड़ी और ऊपर स्लेंट हो जाएगी और उसी स्लेंट को ब्रेक करते हुए ग्रीड देगा और एक तेजी से ऊपर की साइड की चाल स्टार्ट हो सकती है। एक रहेगा ये सिस्टम, एक सिस्टम रहेगा मार्केट मॉर्निंग में इस साइड को ग्रीड दे, अगर इस साइड को ग्रीड देगा और ये लेवल ब्रेक होते हुए दिखाई देंगे तो इसके बीच के पार्ट से या इसके ब्रेक होते हुए भी मार्केट रिटर्न करके वापस ऊपर के डायरेक्शन में बड़ी चाल दे सकता है, जिसमें ये और ये चाल भी आने की उम्मीद है, जहां छोटा मोटा रिट्रेसमेंट के साथ चेंजिंग वाले मार्केट बनने के चांस रहेंगे सेकेंड हाफ में, ठीक है। और दूसरी चीज ये हो गया सेकेंड हाफ से, अब देखते हैं तीनों एंगल से, मार्केट अगर न्यूट्रल न खुल के, मार्केट अगर गैप अप खुलता है तो तुरंत ही यहाँ से नीचे की साइड आएगा तो सेकेंड हाफ में एक बड़े मोमेंटम देने की ऊपर की साइड की कल्पना रहेगी। अगर मार्केट न्यूट्रल खुल के गैप अप खुल के और तेजी से ऊपर की साइड जाता है तो ये लेवल पे एक उम्मीद फिर करी जाती है नीचे के डायरेक्शन में रिट्रेसमेंट की, जो रिट्रेसमेंट आए, गैप अप की बात कर रहा हूँ, गैप अप में अगर ये रिट्रेसमेंट आए तो आप ऊपर के लिए यूज करेंगे, न्यूट्रल में अगर जाके ये रिट्रेसमेंट आएगा, इस रिट्रेसमेंट की बजाय हम ये वाला पॉइंट यूज करेंगे सेलिंग के लिए, और गैप अप रहेगा इस रेंज को ब्रेक करते हुए, मार्केट अगर गैप अप खुलेगा तो समझ लो फिर आपको रिट्रेसमेंट यूज करना है अपसाइड के लिए, मार्केट अपसाइड का इंडिकेशन दे चुका है, और मार्केट अगर गैप डाउन खुलता है और तेजी से मार्केट ऊपर आता है तो इसका ज्यादा प्रभाव नहीं रहेगा, मार्केट क्विकली आप ज्यादा गैप डाउन मार्केट खुलता है और नीचे की साइड जाता है तो एक बड़ी रेंज नीचे में पेंडिंग पड़ी है जिसको कवर करते हुए मार्केट नीचे की साइड जा सकता है, 32,800 के लेवल को भी मार्केट टच कर सकता है, 32,800 और उसके बाद में 32,700 और नीचे के और भी लेवल है, ठीक है, 32,800 का लेवल एक इंपॉर्टेंट है, वो लेवल आप लेके चलेंगे, वो लेवल कवर कर सकता है अगर ज्यादा गैप डाउन इस वाले लेवल और इस वाले एरिया को ब्रेक करते हुए मार्केट नीचे खुले और कंटिन्यूएशन में एक मिनट में स्टार्टिंग की 5 से 10 मिनट का फ्लो आपको अलग दिखा, और स्टार्टिंग का फ्लो अगर न्यूट्रल खुल के तेजी से एक बड़ी कैंडल इधर आती है, बड़ी कैंडल का मतलब काफी बड़ी कैंडल इधर आती है, आप समझ लो मार्केट पूरा का पूरा रेंज हो जाएगा उसके अंदर ही, ठीक है, और ये सारी की सारी उम्मीदें रहेंगी कल से हमारी। थैंक यू दोस्तों।